सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार श्र बलिद ढोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रतुंड गृहवाग्र महाचक्र दशा सुंदर
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते नृसिंहरूपेण गृहेण हन्तुं दैत्याकृतात्मने त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते त्रयेणि महावचसहस्रणेणोज्ज्वले वृत्रपाणाहरे चन्द्रे नारायणि नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हरदैत्या महाबले गौररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दृष्टाकरालवदने शिरोमालाभिभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जयमविद्ये सत्यपुरुषे सुते ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वते वरे भूते प्रभृतामसि नियते त्वं दधे देशे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते वयव्यस्वायिनो देवे दुर्गे देवे नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पादुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलम् पातु नो भीते भद्रकाले नमोस्तुते हिणशीते तेजासि सुमेणापूरया जग स्वाघण्टा पातु नो देवे पापेभ्यो नासुरानिव असुरासेवसापङ्कचुतस्येखलज्ज्वलः शुभाय खलो भवतु चण्डिके ताम्रदाभयम् रोगानशेषानपहंसदष्टा रुष्टानुकामान् सकलानभीष्टा त्वामाशिदानाम् अयमाणानाम् त्वामाशिदायाशयतां प्रयान्ति एताकृतं सर्कदृणं त्वयाध्य धर्मादृशां मे महासुराणाम् रूपेणैकेर्भूतात्ममूर्ते कृत्वाम्बिकेतात्रकरोऽधिकाण्ड्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाधेषु भाग्येषु जगात्तदन्या मम स्वगर्भेति महान्धकारे विभ्रामयते तदेव विश्वम् रक्षासि यत्राग्रविशाश्च नागा यत्रालयोदाशुबलानि यत्र दावानलोजाधिमध्ये तत्र सुधा त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसेति विश्वम् विश्वेशवन्ध्या भवते भवन्ति विश्वाशयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवेन परिपालयनोरभेत् नित्यं यथा सुरपधाधुनेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रथमं नयाज त्वत्पादपाणयणिता च महोपसर्गः प्रणतानां प्रसेदतं देवे विश्वातिहारणे त्रैलोक्यवासिनामे द्वैलोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं दुर्गणा परं धर्म न गच्छत त्वं ऋणध्वं ऋणश्यामे लतामवकारकं देवावोचः सर्वाभाधा प्रशमणं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मधैर्विलाशनम् देव्यो वाच देवस्वतन्त्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शम्भवने शम्भवस्ते ते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदाग्रवसम्भव तदस्तो नाशिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरभ्यधिरौद्रेण रूपेण पृथवेतले अवधीर्यानिष्यामि विप्रचित्तान् सुधानवान् वक्षयन्त्राशतानुग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तानन्दाभिषन्ते दारुमेकसमापमाः ततो मां देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके जमानवाः
ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समन्वये वरिष्यामि सुराशाके आवृष्टे प्राणधारके शाकम्बरे विख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव जावदेशामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नामानुविश्यते पुनश्चाहं कदा भीमं लोपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि रक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे सोऽशञ्जानं रमूर्तयः भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नामानुविश्यते यदारुणाचले लोके महाभागं करिष्यति तदाहं रामरूपं कृत्वा सङ्ख्यषट्पदं त्रैलोक्यश्चेतार्थाय परीक्षामि महासुरम् ब्राह्मरे ते जमां लोका सदा सोऽशन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा वाजा दानवोत्थाभिष्यति तदा तदा वदेयाहं करिष्यामि संशयम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वे भक्तजन वे साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते हैं उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें। ध्यान कंधा दिता जना
तस्याहं सलामादं नाशेषां संशयं मधुकेतवराजं च महिषासुरघातनं ये देष्यन्ति एतत्त्वफलं शुम्भणशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोर्थान च फलः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वैषविजोयणम् शत्रुदानाभयं तस्य दस्युलोभानराजतः न शस्त्रानरतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन् माहात्म्यं पठेतव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तयनमिदात् मम सर्गाणशेषासु महामारे समद्भवान् तदा त्रिवेदमुत्पादम् माहात्म्यं शमे मम यत्रेतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा नातद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् फले प्रदाने भूयायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वं मे त्वजनितम् उच्चार्यंशापि मे वच जानता जानता भावे फले भूयामृता कृताम् शिष्याम्यहं प्रीत्या वर्ण्यहोमं तदा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते जाजवाशिके तस्याममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भवते समन्वितः सर्वाभाधा विलिमुक्तो धनधान्या सुतान्वितः मनशोमग्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं जगद्याशो जायते निर्महापमान् संशयं जाते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलम्बोसां माहात्म्यं मम शृणुता शान्तिकर्माणि सर्वत्र तथा स्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमय्यान्ते गृहपीडासु धारुणा दुःस्वप्नं च निर्विष्टं सुस्वप्नं मम जायते बालकः विभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे चरणीनां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्भक्तानां शेषाणां पुरहानेकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममेतन् माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधोपेश गन्धदेपे सुतोत्तमे विप्राणां भोजने होमे कोक्षमेहरन्मिषम् अन्ये चाभिविदे भोगैः प्रधाने वत्सलेनया प्रीतिर्मे क्रियते सहस्रेण सर्गे शोचते शुभे शुरं हरति पापानि तुषारोग्यं प्रयच्छते रक्षां करोति भूतेभ्यो यर्मणां केतनं मम युद्धे शोचरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम् तस्मै सुदैवैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृता सासु प्रयच्छन्ते शुभां मते अरण्ये प्रान्तरे भावे धावानि परिवारितः दस्युभिर्भावितः शृणे गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्राण यातो वा वने वा वनः शिवे राज्ञा क्रुद्धेन जाग्रतो मध्यो भद्रागतो विवा आघूर्णितो वा वातेन सुतः पोतेर्महान्नवे वरसूचापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे बृहदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितो विवा सुमर्ममे तर्चलितं मनो मुञ्चेत सङ्कटात् मा प्रभावा सिंहाद्या दस्य भोगेण सदा दूरादेव पलायन्ते स्मरतर्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका दण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र मान्त्रधीयत देवदेवानिरातङ्कः स्वाधिकाराण्यथा पुरा
यज्ञ भाग मुशासव चक्र निहतार्यः देताक्ष देव्याहते शुभ्य देवर्भायुधे यद्वध्वंसने तस्मिन् महाग्रहविक्रमे निशुं भेज महावीर्य शेषः पातालमाययोः एवं भगवदेत्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् हरेरन्मोयते विश्वं सेव विश्वं न शूयते स्वाजाच्युता च विज्ञानं पुष्टा ऋद्धिं यच्छति ज्ञातं तैः सकलं ब्रह्माण्डमहेश्वर महाकाल महाकाले महामारे सर्वमया सेवकाले महामारे सेवशेषमहतया तृतिङ्गातिभूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नाम सेवा लक्ष्मीवृद्धे प्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे ददाति वित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे करिं शुभा अत्सिद्ध कञ्जिका स्तोत्रे शिवोवाच श्रोतेऽपि प्रवक्ष्यामि कञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभो भवेत् न कवचं न यः स्तोत्रं चेलकं न रहस्यकम् न सूत्रं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अधिगृह्यतरं देवे देवानाम विदुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनेरिव पार्वति मारणं मोहनं वश्यं सम्बनो चाटनादिनम् पाठमात्रेण संशुद्ध कुञ्जिकस्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ क्लौं हुं क्लीं झुं सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं खं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दने नमस्ते केतवहारिण्ये नमस्ते महिषादने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च शुम्भासुरघातने जागृतं हि महादेवे जपं सिद्धिं करोष्यमे ऐङ्कारे सृष्टिरूपाय ऋङ्कारे प्रतिपालिका क्लीङ्कारे कामरूपिणे बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाते च एकारे वरदायणे नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपणे द्वां ह्रीं ध्रों दुर्जटे पर्जुने वां ह्रीं ध्रों वागधीश्वरे क्रां क्लीं क्रों कालिका देवे शां श्रीं सौम्ये शुभं करो हुं 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 काररूपिणे जं 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 भयाधने भ्रां ह्रीं ध्रों भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं कं कं पं यं शं भिं गुं इं भिं हं चं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय हेतं गुरु गुरु स्वाहा पां क्लीं क्रों पार्वते पूर्णा खां क्लीं क्रों केजरे तथा स्वां श्रीं सुं सप्तचतुर्भ्य मन्त्रसिद्धिं गुरुश्रुणे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं कोऽपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां प्रपृशतिं पठे नारस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गाया पद्मरसने नमस्ते शरण्ये शरसाकम्बे नमस्ते जगज्जापिकेश्वरोपे नमस्ते जगदाम्बभादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीताहि दुर्गे नमस्ते जगच्चन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते ददाय
Yeah.
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा
आपसे भक्तिजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। जन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जगजन ने माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं, अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती स्तवन करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। वास्तव में जब माँ भगवती जब प्रसन्न होती है तो जगत का वध होता है, जगत का कल्याण होता है। और जब जब भगवती कुपित हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। इसलिए भक्तजन माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत यही प्रार्थना करते कि माँ प्रसन्न हुई और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना, सर्वदा हम पर प्रसन्न रहना और इसी तरह से अपने चरणों से हमें लगाए रखना, अपने चरणों के भक्ति देना, अपना आशीर्वाद सर्वदा हम पर बनाए रखना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से जो भक्तजन जो है इस माँ जगजन ने जगत माता के दरबार में आकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं और अपने घर गृहस्थ में भी इसी प्रकार से माँ की भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति में बड़ी ही अद्भुत शक्ति होती है और इसी से प्रकार की सिद्धि जो प्राप्त होती है, भक्तों के मनोलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है। तो ये माँ जो है कहते हैं कि माँ जो है जो बच्चे की प्रथम गुरु, पहले गुरु माँ ही होती है, क्योंकि बच्चों को पहला ज्ञान जो है जो माँ से ही प्राप्त होते ही और जिसके दरबार में आप आए हैं, जिसके चरण में बैठे हुए हैं, वह जगजन्य जगत माता जो है ये जगत गुरु है, जिसके चरणों में देवता नतमस्तक होते हैं। जब देवता वर्ग को कष्ट कोई संकट आता है तो समझ देवतागण जो एकत्रित होकर के इसी भगवती का श्रवण करते हैं, माँ से ही प्रार्थना करते हैं और ये भगवती उनकी प्रार्थना करने पर किस न किस रूप में इनका प्रादुर्भाव होता है, ये प्रकट होती है, देवताओं का कार्य सिद्ध करती है, भक्तों की रक्षा करती है और पापों का नाश करती है। तो यद गुरु की जिन पर कृपा हो जाती है, क्योंकि साधक जो है जब देव कृपा होती है साधक पर, जो है साधक भक्ति करते हैं, देव कृपा होती है तो उसे कहीं सत्संग की प्राप्ति होती है, अच्छे विचार आते हैं, तीर्थों में जाता है, सत्कर्म करता है, जिसको उसका सत्व गुण जो है सत्व गुण की वृद्धि होती है। जितनी आप भक्ति करोगे सत्व गुण बढ़ेगा, सत्व गुण बढ़ेगा तो आपके विचार जो उच्च विचार होंगे, सद्विचार होंगे, कभी कोई बुरे विचार नहीं आएंगे, मन में कभी विकृति नहीं आएगी, बुद्धि में बुद्धि बिल्कुल ठीक निर्णय करेगी, उसमें कभी विकृति नहीं आएगी। तो इसलिए जितना सत्व गुण बढ़ेगा उतनी बुद्धि आपकी प्रखर होगी,
इसलिए जितनी भक्ति कर सकते भक्ति करें, भगवत के नाम का जप करें। ये सदगुरु, सद क्या होता है? सद कहते हैं भगवान को, भगवती को, और गुरु सदगुरु। तो किसके साथ जो है कि सदगुरु भगवती जो है माँ जो है जो वास्तव में बच्चे का हमेशा जो है भय कल्याण करना चाहती है। माँ जो है वह कभी किसी प्रकार का माँ में बच्चे के प्रति कोई शलकपट नहीं होता, माँ का ही बिल्कुल शुद्ध प्रेम होता है। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु जो है सद शिष्य को जो है सच्ची राह जो है दिखाते हैं, ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, अंतःकरण में ऐसे प्रेरणा होती है, और सदगुरु जो है ये शिष्य की बुद्धि को जो है ये सुधार देते हैं। गुरु जो है सदगुरु ही शिष्य को जो है ये सर्वस्व देते हैं, आत्मस्वरूप का जो है वह बोध कराते हैं। आत्म तत्व क्या है वास्तव वही जानने योग्य है कि हम क्या हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ, किस लिए हुआ, कहां पर हुआ, और हम जो है कब तक यहां पर हैं, हमें करना क्या, किस लिए यहां पर आए हैं, हमें करना क्या है। तो इसलिए वास्तव में जो हम हैं क्या, आत्मा क्या है, आत्म तत्व क्या है, ये शरीर क्या है। शरीर तो एक साधन मिला हुआ है, और आत्मा जो है ये जानने योग्य है। ये ज्ञान जो है सदगुरु से ही प्राप्त होता। बोले सच्चे दरबार की जय। मैं इस संदर्भ में आपको दृष्टांत दे रहा हूँ कि गुरु जो कैसे कल्याण करते, जैसे माँ के दरबार में आए हैं जय भगवती जगजननी, जय जगत गुरु जो है। बच्चे जब माँ के दरबार में आते हैं जय भगवती जो है, पहली बात एक तो नहीं शक्ति देती है, दूसरे शारीरिक शक्ति निरोगी जीवन जो है कष्टों को दूर करती है, दुखों का नाश करती है। माँ लक्ष्मी वैष्णव जो है ये धन लक्ष्य का वरदान देती है, और माँ सरस्वती विद्या बुद्धि का वरदान देती है। इस प्रकार ये भगवती आदि शक्ति यहाँ पर जो तीन पिंडी के रूप में विराजमान है, इनकी साधना करने से इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति होती है, शरीर शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति। इसी प्रकार से सदगुरु जो है किस प्रकार से अपने शिष्य का जो है कल्याण करता है, जो भगवती अपने शिष्यों का, अपने बच्चों का कल्याण करती है। तो कहते कि एक बार एक सदगुरु जो है अपने शिष्य के साथ जो है जा रहा था, जंगल का रास्ता था, वन के रास्ते से निकलते हुए उन्हें संकल हो गया, रात्रि होने वाली थी, तो विचार किए जहीं कहें वृक्ष के नीचे जो है जहीं आज रात्रि को विश्राम करें। ये वृक्ष के नीचे जब दोनों ने विश्राम किया, सायंकाल हुई, संध्या की, सत्संग किया, फिर जो है गुरु शिष्य दोनों जो है उस वृक्ष के नीचे ही सो गए। कहते जो सदगुरु होते हैं उनका सत्व गुण जो है वह वृद्धि को प्राप्त होते, क्योंकि भगवान की साधना करते रहते ही उन्हें अधिक नींद नहीं आती, क्योंकि भगवान की भक्ति में ही तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से एक बजे के बाद जो है उसके गुरु जो जाग गए, शिष्य जो था सोया रहा, गुरु जगे, आसन रखा और अभी जो है ध्यान करने के लिए बैठने ही लगे, तो इतने में जो सामने से बहुत बड़ा भयंकर सांप जो था सीधा जो सो रहा आया और उसके शिष्य की ओर जा रहा था, तब जो उसे रोका और कहा कहाँ जा रहे हो। शाम से पूछते हैं सदगुरु जो है कहाँ जा रहे हो, तो सर्प ने कहा महाराज जी जो आपका शिष्य जो है ना जो सोया हुआ है, जो मेरा पूर्व जन्म का जो है बैरी है, मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, इसने पूर्व जन्म में जो है मुझे मारा था, और आज मैं इसको मारने के लिए आया हूं, इसको डसूंगा और मेरे सामने तड़ तड़ के जब मरेगा तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। गुरु ने शाम से कहा आपको पूर्व जन्म ने इसने मारा था और वही भैर भाव जो था आप में बना रहा, और आज जो है आज इसे जो है आप मारने के लिए जो है यहां पर आए, मुझे ये बतलाइए कि इसको मारने से आपको मिलेगा क्या, इसको डसोगे और जब मर जाएगा तो मारने से जो है आपको मिलेगा क्या। भाई तुम्हें जो है सर्प ने इस प्रकार से कहा कि महाराज जी
सब शिष्य को जो सोया हुआ है इसको मैं काटूंगा और जो है मुझे आत्म शांति मिल, क्योंकि इसने मुझे मारा था मैं इसको मारूंगा इसलिए मुझे शांति मिलेगी। मेरा पूर्व जन्म का जो बैरी है इसलिए दुश्मन है इसको तो मैं मारूंगा। और इस प्रकार से अब गुरु जी उसको समझाते हैं बैर करने से बैर बढ़ता है। आप फिर बैर करोगे आप इसको मारोगे उसके बाद जो है फिर जब कहीं ना कहीं आप इसे मिलोगे तो जी आपको मारेगा। गुरुदेव सब को शाम को जो है समझाने लगे कि तेरे इस प्रकार मेरे शिष्य से जो है ये भूल हो गई, उसके अपराध हुआ, उससे पाप हुआ, भूल हुई है, उसको आप क्षमा कर दीजिए। देखिए उसने तुम्हें मारा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आप मेरे शिष्य को जो है क्षमा कर दीजिए, इससे भूल हो गई है, आपको उसने मारा था इसलिए यदि आप भी अभी मारते हो बैर फिर बढ़ेगा। ये अच्छी बात नहीं है, मेरे शिष्य को जो आप क्षमा कर दो बैर से बैर जो है ये बढ़ता है। बैर की जो है शांति ये प्रेम से होती है, दुश्मनी से जो है ये ज्यादा दुश्मनी करोगे दुश्मनी बढ़ती जाएगी, परंतु यदि आप प्रेम करेंगे आप शत्रु को प्रणाम करोगे तो धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होगा। तो यही इस प्रकार से बैर की शांति जो प्रेम से होती है। सांप ने कहा महाराज ये आपका शिष्य है, मैं आपका शिष्य नहीं हूं, मैं सांप हूं और मुझे आपके ज्ञान से जो है शांति नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इसको काटूंगा इसको मारूंगा तो ही मुझे जो शांति मिलेगी मुझे सुख मिलेगा। तब जो है गुरु जी उसको ज्ञान देते हुए समझाते हैं देखो कि शास्त्रों में इस प्रकार से लिखा है कि मानव का जन्म जो है ये किस लिए होता है। मानव का जन्म जो है ये इसलिए होता है कि दूसरे के आंसू पोंछने के लिए होता है, कि दूसरे के आंसू पोंछ सके, दूसरे को सुख दे सके, इसलिए मानव का जन्म जो है इसलिए होता है। और जो ये है दूसरों को दुखी कर करके सुखी होते हैं वह दूसरे जन्म में सांप की जोड़ी में आते हैं। जो ज्ञान बताते हुए कह रहे हैं कि सांप की जोड़ी में आते हैं। आप पूर्व जन्म क्या बैर था आपका ये तो आप ही जानते हैं, परंतु जो मानव जीवन है आप पूर्व जन्म मानव जीवन में थे परंतु ऐसा कोई सत्कर्म नहीं कर पाए, सांप की जोड़ने में आए, आप मनुष्य की जोड़ने में आते आपका कल्याण होता, कहीं ना कहीं तो आपसे ही पाप हुआ है। वह ज्ञान देते कहते हैं कि जो दूसरों को दुख दे करके प्रसन्न होता है और अपने आप को जो शांति मानता है तो अगले जन्म में वह सांप की जोड़ने प्राप्त होता है। यदि आप ऐसा करते हैं पुनः जो है आपको सांप की जोड़ने मिलेगी, और यदि आप क्षमा करते हैं तो जो है हो सकता है आपका शाम की जोड़ी छुटकारा हो जाए, आपको मानव जोड़ने मिले और जो है आप कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। वे सदगुरु जो सामान्य सदगुरु नहीं थे, इस प्रकार को शाम को समझाते हुए जो है वे उसको जो है मना रहे हैं कि मेरे शिष्य को जो है अभी आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, उसको परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं और मैं परमात्मा के दर्शन कर चुका हूं। आत्मा क्या है, ये शरीर जो है ये तो मरणशील है, ये तो मरेगा ही, ये समाप्त होगा, परंतु आत्मा अजर है अमर है। मैं जानता हूं मुझे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, मैं परमात्मा के दर्शन कर चुका हूं, परंतु मेरे अभी शिष्य को ये आत्मज्ञान नहीं हुआ है, उसको मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं मैं शिष्य का कल्याण करूं। गुरु जो है अब देखिए यदि उसी स्थान पर यदि बच्चे के पिता होते तो वह क्या करते, वहां से भाग जाते, सांप आया है, लेकिन गुरु भागा नहीं। जहां तक उसने कहा कि यदि ऐसी बात है आप नहीं मानते हैं तो मुझे डस लो, स्वयं जो है गुरु जी मरने के लिए तैयार हो गया है, शिष्य के लिए जो है शिष्य के बदले में जो है अपने आप को समर्पित करता है। इस प्रकार से सांप को जब ज्ञान दिया तो अंत में क्या सांप तो मान गया। ज्ञान पर क्योंकि संत के साथ बात हो रही है, संत ऐसे तपस्वी संत जो है कहते हैं पशु हिंसक जीव भी जो है, ऐसे ऐसे संत आश्रम होते हैं जहां पर हिंसक जीव भी जो है वह हिंसा छोड़ करके सात्विक जीवन जीते हैं, कोई क्लेश कला नहीं करता। आप भगवान शिव के परिवार को देखिए,
भगवान शिव जो हैं जिसके गले में सांप रहते हैं और जो है उनका पुत्र गणेश जो है उनका वाहन चूहा है, गले में सांप है और कार्तिकेय उनका पुत्र जो है उनका वाहन जो है मोर है, मोर जो सांप को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है। मां जगदम्बा का वाहन जो है सिंह है, शेर है, और रुद्र भगवान शिव का वाहन जो है बैल है, नंदी है। दोनों परस्पर विरोधी हैं, सभी विरोधी हैं, परंतु परिवार में बिल्कुल शांति से रहते हैं, कोई किसी काला नहीं करता, क्लेश नहीं करता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता वहां पर। इससे हमें शिक्षा मिलती है। तो संत महाराज के दृष्टि पढ़ने से, वार्तालाप होने से जो है शाम का जीवन बदल गया, उसके विचार बदल गए। तो इसलिए अच्छे लोगों के पास जब हम बैठते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग का यही अर्थ होता है, बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी चरण सेवा करते हैं, दादा दादी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास बैठते हैं। कभी जीवन में कोई बुरा विचार आए तो अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठे उनसे बात करें, उनके चरणों की सेवा करें, वह बुरा पल जो आपका निकल जाएगा, आने वाली विपत्ति टल जाएगी जब आप बड़े व्यक्तियों के जो महापुरुष हैं उनकी शरणागत होंगे, उनके आशीर्वाद से, उनके दर्शन से। दर्शन का फल यही होता है, पापों का नाश होता है, बुद्धि सुधरती है, जीवन कल्याण में हो जाता है। इसलिए बड़ों का आदर करना, बड़ों को प्रणाम करना, उनके पास बैठना, उनके जीवन की बातों को सुनना। आपकी आज जो 25 साल की आयु है, आप किसी 75 साल के बुजुर्ग के पास बैठते हैं, उससे बात करते हैं, उसका अनुभव सुनते हैं, तो 25 साल का अनुभव आपका और 75 साल का अनुभव जो बुजुर्ग का आपको मिलेगा, आपके पास 100 साल का जो 25 वर्ष की आयु में ही 100 साल का अनुभव जो आपके पास आ जाएगा। इसलिए हम देवालय में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। तो इसी से जब आशीर्वाद मिलते हैं, क्योंकि जब बच्चे माता पिता के पास आते हैं तो उन बच्चों को जो है और प्रसन्न होते हैं कि जब बच्चे आकर के माता पिता को प्रणाम करते, कितनी प्रसन्नता होती है। आपका बच्चा आपके घर में ही जो है, आपने मंदिर बना रखा है, वो पूजा करते हैं, नन्ना मुन्ना बच्चा जो जाता है जाकर के प्रणाम करता है, किसने कहा नहीं, क्योंकि माता पिता प्रणाम करते हैं और बच्चे को वे संस्कार मिलते हैं। बच्चा जब प्रणाम करता है तो उस माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जगजननी जगत माता का जो दरबार जो है, इसके दरबार में जब जो है भक्तजन माँ के दरबार में आते हैं, और जो जगजननी जगत माता हृदयेश्वरी सबके हृदय में निवास करने वाले, सबके हृदय की जानती है, माँ जब देखती है मेरा बेटा जो है, मेरे बच्चे जो है ये सुधर गए हैं, बुरे कर्म छोड़ करके जो है, बुराई छोड़ करके भलाई के रास्ते पर चल पड़े, तो इस माँ को कितनी प्रसन्नता होगी। जो जगजननी किस प्रकार से हृदय से उन्हें आशीर्वाद देगी, क्यों नहीं उन भक्तों का कल्याण होगा। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस कल्याणमय देवी के शरणागत होकर के माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ की भक्ति करनी चाहिए। किसी तरह माँ जे मान जाए, मानने की क्यों नहीं। जब सच्चे हृदय से साधक माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करता है तो माँ अवश्य मानती है, क्योंकि जब बच्चे जो है कहीं भूल हो जाती है तो माँ के पास आते हैं, उसके गले लगना शुरू हो जाते हैं, माँ भूल होगी, अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, तो माँ का हृदय बड़ा ही दयालु होता है, माँ क्षमा करती है, माँ प्रसन्न होती है और बस सब भूल जाती है। इसलिए माँ जगजननी जगदम्बा ने आप पर बड़ी कृपा की ही, क्योंकि इसकी कृपा के बिना जहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता, इसके बुलावे के बिना कोई जहाँ पर आ नहीं सकता। बुलावा होता है, भक्त माँ के दरबार में आते हैं, कृपा होती है तो चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पीछे बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं जो जनरल लैंड से आकर के जो है उनको मौका मिला जहाँ बैठने का, ऐसी पवित्र स्थली पर, क्योंकि ये पवित्र स्थली जो है इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और पिंडी गुरु विराजमान होकर माँ यहाँ पर तप कर रही हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब उनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी।
तो इस स्थान पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जात्र के पापों का नाश हो जाता है। फिर तो जो भक्तजन जो है श्रद्धा युक्त होकर इस प्रकार से स्तोत्रों द्वारा मंत्रों द्वारा भगवती की स्तुति करते हैं, जो मंत्र जो स्त्रोत्र जो है परम शक्तिशाली, इन्हीं स्तोत्रों के द्वारा इन मंत्रों के द्वारा ही देवताओं ने माँ को प्रसन्न किया था और माँ की कृपा प्राप्त कर ली थी। तो माँ भगवती की इसी तरह से आप पर कृपा बनी रही। माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक अपने दरबार में आपको बुलाती रही और भगवती सर्वदा आप पर प्रसन्न हो और प्रसन्नता पूर्वक आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ। श्री सूर्य जी से माँ के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे। आपसे भक्तों से कीर्तन सहयोग देना सब मिलकर बोलना ताली भी जाते हुए श्री सूर्य जी। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। आंखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं लीजेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं लीजेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। आंखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं लीजेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं लीजेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। करो भरोसा बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम क्यों नहीं लीजेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं लीजेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं लीजेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं लीजेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। ताले नहीं, ताले के बाद माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती माँ भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मराठे पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। पर पछताए जब भी तू रो देगा, अपने पापों पर पछताए जब भी तू रो देगा, तेरा एक एक आंसू क्यों ना पापों को धो देगा, तेरा एक एक आंसू क्यों ना पापों को धो देगा। फिर अम्बे माँ का दर्शन होगा, आहो खाई नाम क्यों नहीं लीजेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। आंखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं लीजेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं लीजेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप मैया का बसता, आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप मैया का बसता, ऐसे रोने से माँ मिल जाए तो जानो सस्ता, ऐसे रोने से माँ मिल जाए तो जानो सस्ता। कितने दुर्लभ माँ के दर्शन, कितने सस्ते दाम क्यों नहीं दीजिएगी मेरी माँ, क्यों नहीं माने हंसता है पर रोना आसान नहीं, रोने में जग हंसता है पर रोना आसान नहीं। दीन बंधु माँ करुणा सिंधु दर्द गीत
पहचान सही बंधुआ करुणा सिंधु कर देनी पहचान सही भक्त वत्सला शरणागत को बजले सुबह शाम क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ आँखों में हो आँसू और होठों पे माँ का नाम क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ वो आँसू भी क्या आँसू जो जग के लिए बहाए वो आँसू भी क्या आँसू जो जग के लिए बहाए जो आंसू वो आंसू कहलाए माँ की याद में बहे जो आंसू वो आंसू कहलाए ऐसे ही के आंसू पर वो दौड़ी आएगी माँ क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ आंखों में हो करो भरोसा बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ क्यों नहीं रिझगी मेरी माँ क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय श्री विजय कुमार जी जयकारा शेरे वाली दा दरबार की जय मन मेरा आखदा शेरे वाली एक बार दर्श दिखा ओ दातिए एक बार दर्श दिखा मन मेरा आखदा एक बार दर्श दिखा मन मेरा आखदा शेरे आलिए एक बार दर्श दिखा ओ दातिए एक बार दर्श दिखा शेरा वालड़िए मेरा वालड़िए शेरा वालड़िए मेरा वालड़िए पारे मंदिर तेरा लाया पगते डेरा लाया पवने डेरा वो बिच पारे मंदिर तेरा लाया पगते डेरा लाया पवने डेरा लाया पगते डेरा वो पेटा गाई गाई नच दे नकारे कर दे दर्शन तेरा वो कर दे कर देन दर्शन तेरा कर देन दर्शन तेरा कर देन दर्शन तेरा लंग जकारे पे तन गांदे एक बारी फेरा पा ओ दातिए एक बारी फेरा पा लंग जकारे पे तन गांदे एक बारी फेरा पा ओ दातिए
ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਆਖਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਆਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਉਦਾਸੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਆਖਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਆਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਪਾਰ ਪਵੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਾਰ ਪਵੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਾਰ ਪਵੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਚੋਟੀ ਮਕਦੀ ਪਾਰ ਪਵੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਾਰ ਪਵੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਾਰ ਪਵੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਹੋ ਜੈ ਜੈ ਮਾਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਵਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜੈਕਾਰਾ ਪਰਨੀ ਦੁਖੜੇ ਤੁਹਾਰਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾ ਉਦਾਸੀਏ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾ ਪਰਨੀ ਦੁਖੜੇ ਤੁਹਾਰਨੀ ਉਦਾਸੀਏ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਆਖਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਆਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਤੂੰ ਅਮੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਖੁਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੜੀਏ ਮੇਰਾ ਵਾਲੜੀਏ ਖੁਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੜੀਏ ਪਾਪੀਏ ਕੀ ਤੂੰ ਪਲੇ ਚਮਾਰੇ ਚੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈਏ ਚੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈਏ ਪਗਤੇਗੀ ਤੂੰ ਭਲੇ ਚਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈਏ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈਏ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈਏ ਮਾਂ ਪਗਤੇਗੀ ਤੂੰ ਭਲੇ ਚਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈਏ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈਏ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾਰੀਆ ਸ਼ੇਰੇ ਆਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂਆ ਉਦਾਸੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂਆ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾਰੀਆ ਸ਼ੇਰੇ ਆਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂਆ ਉਦਾਸੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂਆ ਮਨ ਮੇਰਾ ਆਖਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਆਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਉਦਾਸੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਹੋ ਸੋਨ ਮਹੀਨਾ ਆਈ ਗਏ ਮਾਤਾ ਅਸੇ ਪਰੀਤਾ ਲਾਈਆਂ ਅਸੇ ਪਰੀਤਾ ਲਾਈਆਂ ਅਸੇ ਪਰੀਤਾ ਲਾਈਆਂ ਹੋ ਸੋਨ ਮਹੀਨਾ ਆਈ ਗਏ ਮਾਤਾ ਅਸੇ ਪਰੀਤਾ ਲਾਈਆਂ ਅਸੇ ਪਰੀਤਾ ਲਾਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮਾਂ ਭਗਤੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਚ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲਾ ਨੀ ਦਾਸੀਏ ਮਨ ਆਲ ਮੁੱਕਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਉਦਾਸੀਏ ਮਨ ਆਲ ਮੁੱਕਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਆਖਦਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਆਖਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਆਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਉਦਾਸੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਆਖਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਆਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਉਦਾਸੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੜੀਏ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਉਦਾਸੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਮਨ
सच्चे दरबार की जय। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। खुले हैं भंडारे जो मांगेगा तो पाएगा, खुले हैं भंडारे जो मांगेगा तो पाएगा, अरे जो मांगेगा खुले हैं भंडारे जो मांगेगा तो पाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाए, ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। आएगा जो श्रद्धा से शीश को झुकाता हुआ, शीश को झुकाता हुआ, आएगा जो श्रद्धा से शीश को झुकाता हुआ, शीश को झुकाता हुआ, मंत्र को गाता हुआ, मंत्र को गाता हुआ, भाग्यशाली तो भागो को बनाएगा, वही भाग्यशाली तो भागो को बनाएगा, वही भाग्यशाली तो भागो को बनाएगा, वही भाग्यशाली तो भाग को बनाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। आँखों में बसाले जो बाकी तस्वीर, बाकी तस्वीर, आँखों में बसाले जो बाकी तस्वीर को, बाकी तस्वीर को, बिगड़ी वो अपनी बना ले तस्वीर को, बना ले तस्वीर को, बिगड़ी वो अपनी बना ले तकदीर को, बना ले तकदीर को। भैया के द्वारे पे शीश जो झुकाएगा, भैया के द्वारे पे शीश जो झुकाएगा, भैया के द्वारे पे शीश जो झुकाएगा, भैया के द्वारे पे शीश जो झुकाएगा। जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। हृदय में जिसके लगाने लग जाएगी, लगाने लग जाएगी, हृदय में जिसके लगाने लग जाएगी, लगाने लग जाएगी, सदा उसकी रक्षा को वारदाती आएगी, वारदाती आएगी, सदा उसकी रक्षा को वारदाती आएगी, वारदाती आएगी। किसी से ना दुनिया में वह डर खाएगा, दुनिया में वह डर खाएगा, किसी से ना दुनिया में वह डर खाएगा, किसी से ना दुनिया में वह डर खाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। झूठे संसार में जो कर्मों के भोग है, कर्मों के भोग है, झूठे संसार में जो कर्मों के भोग है, कर्मों के भोग है, रहते सभी लोग हैं, रहते सभी लोग, किससे तो दुखी सुखी रहते सभी लोग हैं, रहते सभी लोग हैं। चमन माता दास कभी न घबराएगा, चमन माता दास कभी न घबराएगा, चमन माता दास कभी न घबराएगा, चमन माता दास कभी न घबराएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा। खुले हैं भंडारे जो मांगेगा तो पाएगा, खुले हैं भंडारे जो मांगेगा तो पाएगा, खुले हैं भंडारे जो मांगेगा तो पाएगा, अरे जो मांगेगा तो पाएगा। मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, ओ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा, बोल सच्चे दरबार की जय। तेरा दर छड़ किधरे भी जाना नहीं हो, तेरा
दर छड़ किधरे भी जाना नहीं हो चाहे डोब दे ओ चाहे तार दे ओ 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 तेरा दर छड़ किधरे भी जाना नहीं हो तेरा दर छड़ किधरे भी जाना नहीं हो चाहे डोब दे ओ चाहे तार दे ओ 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 मां तेरा दर छड़ किधरे भी जाना नहीं हो तेरा दर छड़ किधरे भी जाना नहीं हो चाहे डोब दे ओ चाहे तार दे ओ 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 इस जग बिच हर वेले सुख मिलदा इस जग बिच हर वेले सुख मिलदा इस जग बिच हर वेले सुख मिलदा जग बिच हर वेले सुख मिलदा तेरे दर ते ही आके सच्चा 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 सुख मिलदा मैनू होर कोई लबदा ठिकाना नहीं हो मैनू होर कोई लबदा ठिकाना नहीं हो चाहे डोब दे ओ चाहे तार दे ओ चाहे डोब दे ओ चाहे तार दे ओ चाहे डोब दे ओ चाहे तार दे ओ चाहे डोब दे ओ चाहे तार दे मां तेरा दर छड़ किधरे भी जाना नहीं हो तेरा दर छड़ किधरे भी जाना नहीं हो चाहे डोब दे ओ चाहे तार दे ओ 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 मां ऐसी दुनिया ने होश भुलाई मेरी 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 इसे कम भी न आई चतुराई मेरी जिसे कम भी न आई चतुराई मेरी जिसे कम भी न आई चतुराई मेरी जिसे कम भी न आई चतुराई मेरी हंसा होर कोई अपना बनाना नहीं हो और कोई अपना बनाना नहीं हो चाहे डोब दे ओ चाहे तार दे ओ 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 मां तेरा दर छड़ किधरे भी जाना नहीं हो तेरा दर छड़ किधरे भी
आप भक्त जनों को इस सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतति भान भव श्रीमान शसुहि भव प्रज्ञा भान भव भूर भोग करण धान कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भ धारण व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देश शरीरवर्चस् आयुष्यमारोग्यमाविदा शुभमानम हि यति धनम धान्यं पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः।
माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निशनी न जावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मैया जी को निगमद को जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद्र वदन नी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलि रक्ताम्बर राजे मैया रक्ताम्बर राजे मैया मोदा धारी नमः
माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय दरबार की जय बोली या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः गुरुदुर्गा माता की जय वैष्णो माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुहा द्वार पर आ गए हैं इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे अखंड ज्योति का पूजन होगा उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना बोले सच्चे दरबार की जय प्रेम से बोलो जय माता दे 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 दरबार की जय भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे सम्मिल करके बोलना है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि ॐ ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः अब शान्ति
धरती पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मान्य मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। रथ में गुरु जी को वंदना द्वितीय आदर में द्वितीय शिवराय शारदा मेरे कार्य करम हमेश जय आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैया कृपा जो सुख करी जो चरणा दाता ल
लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवेदानभङ्गं वन्दे विष्णो सर्वलोकेशनाथं केशवं रामनारायणं कुशदामोदरं वासुदेवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुदे द्वारे गोविन्द गोपालमाकं चिधोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमो सुचिया ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला करने वाली माता तेरी सदा सारी संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा पुना चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा रंग करा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का धर्म का प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा शिव की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मनोकामना पूरी हो जयकारा शरण वाली दा